एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये गेहूं का आटा है, आधा किलो गेहूं का आटा है। अभी इसमें एक कटोरी से थोड़ा कम इसमें सूजी डालूंगी और इतना ही बेसन डालूंगी। इसका मुझे बनाना है मट्ठी, और इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी, और इसमें डालूंगी एक चम्मच भर के छोटे चम्मच से जीरा, और डालूंगी इसमें अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथ से ऐसा ही मसल के इसको डालूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, मेरे पास अभी है नहीं। और इसमें डालूंगी मैं स्वादानुसार नमक। मैं अपने आटे के अनुसार इसमें नमक डालूंगी। और इसमें डालूंगी एक पिंच मीठा सोडा, ज्यादा नहीं डालूंगी, बस एक पिंच डालूंगी। अभी इसको तेल से मोइन इसको करते हैं। इसको एक में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद तेल से इसमें मोइन करूंगी। अभी अच्छे से आटा मिक्स हो गया है, बेसन और सूजी और आटा। अभी इसमें मोइन के लिए तेल डालूंगी, अच्छे से तेल डालूंगी ताकि इसमें मुट्ठी बन जाए। अभी हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि कलछी से इतना अच्छे से नहीं मिक्स होगा। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, इसमें तेल डाल के मोइन कर दी हूँ। देखिए बहुत अच्छे से मुट्ठी बंध रहा है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी की हूँ। अभी इसी को इसमें ही एक दूध रखी थी बाउल में, उसी में थोड़ा पानी गरम कर लूँ, इसके लिए ये वाइट दिख रहा है। बस ऐसा ही इसको बहुत कड़क आटा गूंथूंगी। आटा बहुत कड़क गूंथी हूँ, बहुत अच्छे से गूंथा गया है, ये चिपकेगा नहीं जरा से। अभी इसको बस 10 मिनट के लिए इसको ऐसा ही ढक के रख देती हूँ। बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको एक बार फिर से एक बर्तन में रख के इसको फिर से अच्छे से इसको सेट कर लेती हूँ। एक पेड़े के आकार में से लोई ये तोड़ूंगी, इसको बस थोड़ा से हाथ से प्रेस करूंगी। हमारी मट्ठी थोड़ा चिड़चिड़ी बनेगी क्योंकि बहुत कड़क आटा है ना, इसके लिए ऐसा ही पेड़े के आकार में सभी आटे को ऐसा ही गोल गोल करके मैं बना लेती हूँ। ऐसा ही तेल गरम हो रहा है, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी, और इकट्ठा इतना सारा बना ली हूँ। अभी सब इसमें डाल दूँगी, ठंडा ही तेल में डालूँगी, हल्का गुनगुना रहेगा, नहीं तो एक कच्चा अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से लाल हो जाएगा। इसके लिए मैं धीमी आंच पर एक एक करके, ये चिपक भी नहीं रहा क्योंकि आटा बहुत कड़क है। अभी सब ऐसे ही डाल देती हूँ, फ्राई होता रहेगा सभी को। एक दूसरे पे रखो तो भी ये चिपक नहीं रहा है, आटा भी बहुत कड़क है और इसका मोइन भी बहुत अच्छा है। अभी इसी पे ऐसा ही फ्राई होता रहेगा, बस धीमी आंच पर। अभी इसको धीरे धीरे पलट के पलट देती हूँ, हल्का गोल्डन होने शुरू हो गया है।
बस ऐसे ही पलट देती हूँ एक एक करके सभी को। देखिए कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन मट्टी हो गई है। अभी चूल्हे को आज तेजी कर दी हूँ क्योंकि मुझे निकालना है, इसके लिए तेजी की हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल जो अंदर घुसा होगा सभी निकल जाएगा। इसके लिए थोड़ा आज तेजी कर दी हूँ। अभी पक चुका है लेकिन थोड़ा और एक दो मिनट ऐसा ही रहने देती हूँ, उसके बाद निकाल लूँगी। अभी इसका एक्स्ट्रा तेल निकल गया है, अभी इसको मैं ऐसा ही तेल छान छान के निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छे से एकदम इसका कलर भी आ गया, अंदर से भी अच्छे से सीख गई है। निकालते वक्त कभी भी इसको आंच तेजी करेंगे तो एक्स्ट्रा तेल जो रहता है सब निकल जाता है। अभी फिर से चूल्हे को धीम करके अभी एक एक करके जो देखिए दूसरा बार जो डाली थी दूसरी बार वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, आंच तेजी है, ये भी सीख चुका है अंदर से और ऊपर से बहुत अच्छे से बन रही है, बहुत कुरकुरी भी बनी है। अभी इसको भी इसी पर इसको निकाल लेती हूँ, बस ऐसा ही करके डालना है इसको, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसका कलर भी बहुत सुनहरा कलर आया है, देखिए कितना मस्त बन रहा है। अभी इस पे जो और एक्स्ट्रा बना के रखी हूँ सभी को धीमा आंच करके डाल देती हूँ। इकट्ठा डालूंगी तो भी एक पकने वाली नहीं है, आंच धीमी करके उसको डाल देती हूँ। मट्टी बनके तैयार हो गई है, इसको महीना भर 2 महीने इसको खा सकते हैं रख के, गेहूं की आटे की बहुत टेस्टी मट्टी बनी है। चाय के साथ नाश्ते में इसको खा सकते हैं, सबको पसंद आता है। एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना करंची बनी है, देखिए बहुत करंची बनी है, बहुत अच्छी है ये, खाने में भी उतने और एकदम पूरा मुंह में घुल जाने वाली बनी है, बहुत अच्छी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए नमस्कार।